ये यहाँ पे बटन दबाया मैंने, फ्रेंड्स बेसिकली ये जो इक्विपमेंट है नेक्स्ट क्रूज वो एक्सेलरेटर और इसके सर्किट बोर्ड के बीच में पैच होता है सो दैट द सिग्नल इज सेंट वाया द नेक्स्ट क्रूज और इट कंट्रोल्स द एक्सेलरेशन। अगर वो आपने वो ऑन किया तो वो जो भी स्पीड आपने सिलेक्ट किया है उसका एक्सेलरेशन का वो कंट्रोल आगे मदरबोर्ड पे भेजता है, सो द कार का सॉफ्टवेयर वर्क्स अकॉर्डिंगली। तो आकाश जी बता रहे थे कि वेरी सून नया वर्जन इसका एक आने वाला है जिसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आप ऐड कर रहे हो, तो करेक्ट उसमें आई गेस रिज्यूम मोड आप बता रहे थे एंड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ड्राइव मोड्स का भी फैसिलिटी आपको मिलेगा। हम ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, आकाश जी जब रेडी हो जाएगा वही आपको उस चीज के बारे में सरप्राइज दे देंगे। यस, सो बेसिकली दिस यूनिट ऑफ नेक्स्ट क्रूज इज द नीट यूनिट, मतलब देयर आर ओनली 10 सच यूनिट्स विच आर मेड विच आर बेसिकली प्रोटोटाइप्स। तो ये प्रोटोटाइप्स हैं जो कि हमने इनिशियल टेस्टिंग के लिए जो नीट स्क्वाड था नेक्स्ट क्रूज अर्ली अडॉप्टर टीम उनको दिए थे और नाउ वी आर ग्लैड टू गिफ्ट इट ओवर टू नॉइस फैक्ट्री। थैंक यू सो मच। एंड वेल ये प्रोटोटाइप यूनिट है बट दिस हैज ऑलरेडी अंडरगोन अ टेस्टिंग ऑफ मोर देन 30,000 किलोमीटर्स बाय नाउ। अमेजिंग। और ये 30,000 किलोमीटर्स के अंदर पूरा फ्लॉलेसली काम किया है इसने। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली कोई भी व्हीकल जब टेस्ट होता है बनता है तो 1,00,000 किलोमीटर्स एक टिपिकली एक मार्कर रहता है, तो उसका 1/3 ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट इट। तो इट्स ऑलरेडी हार्डेंड, जो इसके अंदर का सॉफ्टवेयर है उसकी हार्डनिंग काफ़ी हो चुकी है रिलायबिलिटी और उसके हिसाब से। और अब जो अगला रिविजन है इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसके अभी प्री ऑर्डर्स ओपन हैं और जो चल रहा है, तो उसके अंदर और भी कई फीचर्स हैं। सो बेसिकली द नेक्स्ट क्रूज इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीट ईवी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स मच मोर देन अ क्रूज कंट्रोल सिस्टम। सो क्रूज कंट्रोल इज ओनली लाइक वन पीस ऑफ द पजल, बट बियॉन्ड दैट यू वॉन्ट वेरियस मोड्स ऑफ यू नो कंट्रोलिंग द एक्सेलरेशन एंड टर्निंग ऑफ एंड ऑन द रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड लिमिटिंग द स्पीड एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है अब जो वर्जन है उसके अंदर आने वाली है। वाओ, कांट वेट फॉर दैट। एंड एज यू सेड के जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनको वो अपग्रेड भेज देंगे जब वो आ जाएगा, तो दे डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द न्यू वन। यस यस, सो दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम टू डू दैट एंड ही इज हेल्पिंग द ईवी कम्युनिटी अ लॉट बाय मेकिंग दिस एक्चुअली, बिकॉज स्पेशली जितने भी हमारे नेक्सॉन यूजर्स और फ्रेंड्स हैं उनके लिए दिस हैज बीन अ मेन कंप्लेंट कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है एंड यू हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। वन लास्ट थिंग, मैं आपको पहले ऑफ कैमरा भी पूछ चुका हूँ, वारंटी के बारे में, कार की वारंटी के बारे में आपका क्या बोलना है इसके लगाने के बाद? सो बेसिकली वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज डायरेक्टली अंडर आवर कंट्रोल, व्हिच इज बेसिकली डिजाइनिंग दिस सिस्टम सो दैट इट डज नॉट वॉइड द वारंटी। ओके, वी गॉट अ लॉट ऑफ यू नो इनपुट्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स इनफॉर्मली फ्रॉम द टाटा पर्सनल that what they look at before certifying if the product voids warranty or not. Right. So if the product is not drawing power from any signal or anything like that, and it should draw power only from the auxiliary battery, right, then the product won't void the warranty. That's what is an informal word that we have got. Right. So we have the circuit already ensures that, and then this system is going to be sent over, the final version, to the Tata personnel to be approved formally. Right. So when that happens, you'll come to know that. Amazing. चलो, warranty wise भी sorted ही है हम लोग वैसे देखा जाए तो. But technologically इसके अंदर सब sorted है. It's only a matter of time before you know. Yeah. It takes time to adopt and all. Yeah. But we need to start somewhere, so that's all. Yeah, amazing. We hope Tata not only approves it, even buys this technology from you and puts it in their cars. I mean. Yeah. We hope. Tigor के लिए कभी बना रहे हो? Main चीज. The next car. Tigor के लिए मतलब although I'm not really
looked at the Tigor yet, but principally सोच के लग रहा है कि same होगा, यही as it is ये चल जाएगा 99% chance है कि ये चल जाएगा। Done, और इन द अनलाइकली 1% केस कि नहीं चले तो हमारी टीम चला देगी उसको, सो वो तो करना ही है। सही बात है। दिस इज ऑलमोस्ट फिट, एक बार पूरा लग जाए तो फिर हम आपसे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम रिव्यू दे देंगे, इनिशियल रिव्यूज दे देंगे कि अभी करंट में कैसा हमको फील हो रहा है, एंड देन लॉन्ग टर्म रिव्यू तो आप हमारे ट्रिप वीडियोज देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस, विकी इज ट्राइंग दिस आउट फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ, और विकी हमारा स्लो ड्राइविंग का किंग है, तो अभी विकी का रिएक्शन हम देखते हैं क्या आता है इसमें। सो लेट्स एक्सप्लेन द कंट्रोल्स। या ये जो सेंटर बटन है, इसे एक बार प्रेस करेंगे तो क्रूज ऑन है। ओके वापस इसे प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा, इट्स बेसिकली टॉगल। ओके है ना, एवरी टाइम यू प्रेस इट विल चेंज। ओके देन देयर इज अ डायल, इसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो व्हाइल इट इज क्रूजिंग उसको क्रूज स्पीड बढ़ेगी। ओके और माइनस में करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नीचे। ठीक है, चलो। सो ये नेक्स्ट क्रूज ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि तो जब भी हम जा रहे थे ये ट्रिप के लिए, मेरा पैर ऑलरेडी बहुत सूज चुका था ये स्पीड मेंटेन करने के लिए। सो लेट्स सी अभी कैसे रिस्पॉन्स देता है ये नेक्स्ट क्रूज। आई लाइक टू ऐड गाइज, विकी के बैग में एक वॉली नहीं पड़ी हुई है जो बेचारा रोज रात को लगा के सोता है, क्योंकि जब हम स्टॉप करते हैं होटल में, रूम में पहुंचते हैं, तो उसके पाँव का जो दर्द शुरू होता है इज लाइक टोटली अनबेरेबल। तो आकाश जी, विकी के दर्द की दवा आप लेके आए हो। तो नेक्स्ट क्रूज देखें, इफ यू कैन सी उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, बट यू कैन नॉट एक्चुअली सी इट एनीवे, वो अच्छे से उसको फिट कर दिया है। एक आधा केबल यहाँ पे आपको दिखेगा अभी के लिए, बिकॉज वो पूरा फिनिशिंग टच नहीं लगा है, बट 99% यू कैन सी एनीथिंग इंस्टॉल्ड इन द कार राइट नाउ। यू कैन सी द विकी इज स्टेपिंग ऑन द पेडल्स एंड ऑल अभी के लिए। सो लेट्स ट्राई, अभी 30 के स्पीड पे मैं ऑन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बटन दबाया मैंने, विकी पेडल फ्री। विकी स्पीड देखो, स्पीड जितना मैंने छोड़ा था उतना ही है, बिल्कुल भी स्पीड नीचे नहीं गिर रहा है। और यहाँ पे आकाश जी ने बताया था कि अगर ये क्लॉकवाइज अगर घुमाया आपने तो स्पीड इंक्रीज करेगा, तो मैं घुमा के देखता हूँ एक बार। वाओ, किलर 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 स्टफ। तो सबसे मेन चीज ये आपका रेंज बढ़ाने के लिए, अगर आप ये देखोगे तो आपका लाइन एकदम स्ट्रेट है और आपका ये जो ग्रीन ग्राफ है वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रहा है, और दिस इज लाइक रियली अमेजिंग थिंग। एक और बार स्पीड बढ़ा। ओके सो जब स्पीड में बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाएगा, एंड इट कम्स बैक डाउन। यस, आपको दिखा होगा एविडेंटली के तो अभी तक मेरा पैर निकला हुआ है, मैंने अभी तक स्पीड पे एक्चुअली एक्सेलरेशन पे मैंने पैर नहीं लगाया बिल्कुल भी, तो वो उधर का उधर ही है, थोड़ा सा जब स्पीड बढ़ाया था दो बार उधर का उधर ही है। और अगर आप देख सकते हो वो यूनिट वहां पर पड़ा है जो मैंने आपको बोला, वो एक बार हमारा टेस्ट ड्राइव होने के बाद में उसको वो अच्छे से फिक्स कर देंगे, ताकि आज जी आपने बहुत ही अमेजिंग चीज बनाई है, आपने मेरे पैर को रिलीफ दे दिया है अभी। इट्स एक्चुअली द कंबाइंड पेयर ऑफ एंटायर नेक्सॉन ईवी कम्युनिटी। या इट्स रियली गुड के एवरीवन इज सो क्लोज निटेड एंड एवरीवन इज इन टच एंड वांट्स टू हेल्प। ओके तो अभी स्पीड पे करा रहा है मैं, पैर दबा रहा हूं, ब्रेक दबाया और क्रूज कंट्रोल ऑफ हो गया। आपको आवाज आ गई होगी। सो अभी क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, बट अभी फिर से अगर ऑन करने का रहेगा तो वी हैव टू प्रेस दिस बटन अगेन। मैं एक स्पीड पे लेके जाके क्रूज कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ फिर से। दिस टाइम विकी लेट्स ट्राई रिड्यूसिंग द स्पीड। रिड्यूसिंग, ओके सो स्पीड माइनस करने के लिए थोड़ा सा अच्छा स्पीड पकड़ता हूँ पहले तो मैं। ओके लेट्स डू इट। सो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल। सो अभी स्पीड डिक्रीज करते हैं। यस यू कैन फील द जर्क थोड़ा सा ब्रेकिंग का। 40 पे था, नीचे आ रहा है अभी तक। क्रूज कंट्रोल ऑन है, फिर से एक बार नीचे लेके आते हैं स्पीड को।
विक्की इज नॉट ब्रेकिंग गाइस, और एक बार कम कर दो चलो उधर। ओके पूरा जीरो लेके जाके देखते हैं चलो। बैटरी जीरो किया था, अभी स्पीड जीरो करेंगे, स्पीड जीरो करेंगे। अभी आप देख सकते हो 30 के रेंज में आ गया, तो प्लस 2 और माइनस 2 के स्टेप में चलता है, आकाश जी ने हमको बताया, तो 2-2 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड ये रिड्यूस करता रहेगा। सो ये इसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ, जब स्पीड कम कर रहा हूँ तो वो रीजन का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि रीजन भी हो रहा है साथ में और उतना पावर भी नहीं ले रहा है। वाओ, लेट्स सी द ग्राफ गोइंग डाउन, चेक करना अभी ग्राफ नीचे जाएगा। यस इट डज। So, Vicky, are you happy? I am happy a lot. Both amazing things, man. Both amazing. Good to know. Good. So there is no minimum speed where you can use the cruise. Oh, great. अच्छा, not like other conventional cars जहाँ पे वो लोग speed ये देते हैं आपको, limit देते हैं. Right. तो आप 5 की speed पे भी आराम से cruise कर सकते हैं. तो अभी आप देखोगे already 10 के speed पे आ चुके हैं. पूरा ही गाड़ी रोक देता हूँ. अब यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, क्रूज ऑफ हो जाएगा। अगर मैं पेडल दबाऊंगा फिर से तो क्रूज ऑफ हो जाएगा, नहीं तो रोटेट करना। अच्छा यहाँ से, ओके सो यहाँ से ही स्पीड पिकअप करने का ट्राई करते हैं। वाओ आकाश जी, आपने ये ट्राई किया था क्या? इस एक्सट्रीम तक तो नहीं। आकाश जी बोलते होंगे okay, एक हफ्ते में कुछ तो कुछ अभी, अभी हम क्या करते हैं, एक साथ में 3-4 बार बढ़ा के देखते हैं। आकाश जी, ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट गाइस? नो एक्सेलरेटर, नो ब्रेकिंग, नथिंग, ओनली स्टीयरिंग व्हील। ऑटोनोमस ड्राइविंग कभी आ रहा है? ओके okay, तो मैंने सिर्फ ये स्क्रोल घुमाते हुए, रोटेट करते हुए मैंने 40 के स्पीड पे लेके गया हूं, और ऊपर लेके जाके देखते हैं चलो। We're testing the next cruise to the extreme. 60 के स्पीड पे without accelerating, 60 के स्पीड पे पहुंच गए, 80 के स्पीड पे जाके देखते हैं चलो। आगे स्पीड ब्रेकर ना आए तो। आकाश जी के पसीने छूटते हुए। वैसे सीरियसली 80 के स्पीड पे पहुंच गए। वाव। Without accelerating manually. नेक्स्ट क्रूज के हिसाब से प्लस माइनस करके स्पीड बढ़ाया है और 0-80 लिया है हमने, इमेजिन, और एकदम सेफ वे, नो स्पोर्ट मोड, नथिंग। चलो अभी सुखी ट्राई करेगा। यस ऑलराइट, तो मैंने तो ट्राई कर लिया नेक्स्ट क्रूज, इट इज नेक्स्ट लेवल, लिटरली सजेस्ट। यस इट्स अमेजिंग। आकाश जी ने बहुत ही बढ़िया चीज बना दी है हमारे लिए, एंड इट इज लाइक बोलते हैं ना, जो पैर को सुकून मिलता है वो हमको अभी जयपुर से जाने के बाद मिलेगा। तो आई विल स्टार्ट एट 40 का स्पीड, चलो। आई कांट वेट टू ट्राई दिस, थोड़ा भाई लेते हैं। एंड हियर वी गो। क्रूज ऑन हो चुका है अभी, यहाँ पे पैर हटा दिया है। yes. पैडल फ्री लाइफ गाइस, अमेजिंग। सीरियसली लाइक एक्चुअली नेक्सॉन लेने के बाद में क्रूज कंट्रोल कैसा फील होता है मैं भूल ही गया था। एंड आकाश जी, आपने कमाल कर दिया, सीरियसली कमाल कर दिया। व्हाट वी ऑल वांटेड, द होल कम्युनिटी वांटेड दिस थिंग, एंड आपने ये निकाल दिया है। इतने टाइम से सब लोग हमको बोल रहे थे नेक्स्ट क्रूज ट्राई कीजिए, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पे आके आकाश जी से मिलके ट्राई करना था। हम चाहते तो उनसे फोन पे बात करके किट पुणे मंगा लेते, लेकिन वी वेटेड कि वी आर गोइंग एनी विच वेज अप नॉर्थ, तो उस टाइम पे हम इसको जरूर उस पर ट्राई उनसे मिलके ट्राई करेंगे, ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाए कि क्या इसके फीचर्स और क्या है। तो आकाश विक्की ने तो ये रोटरी नॉब वगैरह सब बता दिया, तो आई विल नॉट रिपीट ऑल दोस थिंग्स। आकाश जी आप वो ओवरटेक मोड बता रहे थे। हाँ, सो इफ यू एक्सेलरेट वाइल द कार इज क्रूजिंग, तो ओवरटेक करने के बाद में आप पेडल छोड़ेंगे तो वापस क्रूजिंग स्पीड पे आ जाएगा। ठीक है, व्हाट बटन डू आई, दिस इज लाइक राइट नाउ इट्स देयर।
इट इज ऑन, इट्स देयर, इट्स ऑन. तो अभी एक्सेलरेट कीजिए. तो आई विल एक्सेलरेट टू 60 एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस. या सो अभी 40 पे है. हाँ जी, तो इसने क्रूज कंट्रोल ऑफ नहीं किया है. आई विल टेक इट टू 50. अभी मैं छोड़ता हूँ. तो आइडियली आप बोल रहे हैं 40 पे आके ये रुक जाना चाहिए वापस. एग्जैक्टली. हाँ, आई कैन फील. वाओ 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 वाओ, दिस इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल नाउ. अभी तो प्यार हो गया है हमको इससे. हाँ जी, दिस इज सीरियसली सीरियसली अमेजिंग स्टफ. एंड इमेजिन गाइस, दिस इज प्रोटोटाइप वन. प्रोटोटाइप टू अभी तक आ रहा है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें डाली है, जैसे इको मोड को कंट्रोल करना है, ड्राइव मोड्स, एक्स्ट्रा ड्राइव मोड्स अब वो आपको दे रहे हैं. ये सारी चीजें अभी रिलीज होने वाली हैं नेक्स्ट अपडेट में, जिसका ऑलरेडी बुकिंग चल रहा है, प्री बुकिंग चल रहा है ना आकाश जी? प्री ऑर्डर्स आर गोइंग ऑन. और हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला है कि थोड़ा उसको एक्सटेंड कर देंगे. कब तक एक्सटेंड कर रहे हैं सर? श्योर श्योर. सो स्पेशली फॉर द नॉइस फैक्ट्री ऑडियंस, वी आर हैप्पी टू एक्सटेंड इट बाय अनदर 3 days. वाओ. So it will be on till Wednesday. Wednesday, okay. So Wednesday तक guys आपको ये हमें kit को pre-book, the new version, not this version which we are using, the new and updated version, उसका kit book करने के लिए आपके पास Wednesday तक का time है guys. Link वगैरह हम आपको description में दे देंगे. आप आकाश जी का channel तो आपको पता ही है, आप उनको direct contact कर सकते हो. And no doubt, this is like landmark thing. Like you have innovated something, Akash ji. Which we Nexon users and probably the Tigor users in the future, जिन जो अब तक EV community में join नहीं हुए, वो लोग भी मांगेंगे इस चीज को कि भाई हमको भी cruise control चाहिए. Tata employee और whoever is watching from Tata, अगर आप ये video देख रहे हो, आपको आकाश जी ने ऑलरेडी बताया होगा इस चीज के बारे में. यू हैव टू अप्रूव दिस. हम हाथ जोड़ते हैं. बिकॉज हमने जो ट्राई किया है इतने बड़े रूट पे, 4000 किलोमीटर आज तक कोई गया नहीं है. 4300 किलोमीटर दिख रहा है. इसके आगे भी हम लोग जाने वाले. टाटा, इफ यू आर वॉचिंग दिस, अप्रूव दिस एज सून एज पॉसिबल. हमको ये टाटा के गाड़ी में नेक्स्ट चाहिए. हमको चाहिए, मतलब चाहिए. सो यू हैव टू अप्रूव दिस गाइस. जो डेली बेसिस पे चला रहा है, प्रॉब्ली उनको इसका ये इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता होगा. लेकिन जो हम लोग हैं, जो इसको नॉर्थ टू साउथ, मतलब वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ टू वेस्ट लेके जा रहे हैं जो इस गाड़ी को, विच इज लाइक अ गुड 10,000 किलोमीटर इन वन गो. जो लोग साल में करते हैं, हम 10,000 किलोमीटर वन गो में करने वाले हैं. और हम लोग, हम बोल रहे हैं आपको कि इसकी बहुत सख्त जरूरत है. Not for the driving pleasure, for the car, to get the better range, to get a better mileage. Tata, you guys claim that दूर जा नहीं सकते, but ये चीज के जो आकाश जी ने बनाया है Next Cruise, उसके कारण आप दूर जा सकते हो. Yes. But अगर आपको लगता है कि नहीं जा सकते हो, हम आपको हमारे पैर की हालत के फोटोज आपको चाहिए तो भेज देंगे. कि नेक्स्ट क्रूज आने के बाद हमारे पैर बहुत सही सलामत रहने वाले हैं. आफ्टर कर लेते हैं. yes, पैर का वेट लॉस. हाँ. सूजन का वेट लॉस. पैर की सूजन का वेट लॉस. सूजन, हम लोग इतना वाटर गिराने के लिए हमारे पैर की जो बैंड बचती है वो अभी नहीं होने वाली है. यस. सो ऑल थैंक्स टू आकाश जी, ऑल थैंक्स टू नेक्स्ट क्रूज. एंड यस, मतलब प्लीज प्री ऑर्डर कर लीजिए. आई नो देर आर मेनी डाउट्स, बहुत लोगों ने हमको कमेंट में लिखा है अबाउट द वारंटी. आई नो, but hopefully Tata agrees to it and we get full warranty out of it and there's no warranty void because of the product. We wanted to try it on us. मतलब जब हमारा बात भी हुआ था, आपने बोला था कि आप हमको contact करने वाले ही थे, but हम बहुत time से हम सोच रहे थे कि हम करते हैं, probably pre-order कर लेते हैं for the channel as a review for the channel. But I wanted, like you know, we both was saying कि वो आकाश जी को मिलके उनके उनसे समझ के कि ये कैसे डिजाइन हुआ, क्यों डिजाइन हुआ, ताकि हम अपने ऑडियंस को सही चीज और सही बातें बताएं. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड, लाइक रात के 11:30 बजने वाले हैं अभी. आधी रात दिखा देते हैं, अभी टाइम दिखा देते हैं. 11:16 टू बी प्रिसाइज. आधी रात में हम लोग इनके कंपनी के आसपास के एरिया में ये गाड़ी चला रहे हैं, जस्ट टू रीच आउट टू यू गाइज एंड टू शो यू how good this thing is and how much beneficial thing this thing is. Like aapko kitne fayde hain is cheez ke. So hum jab bhi Pune to Ladakh ka trip plan kar rahe the, already plan kar chuke the ki humko Jaipur mein rukna hai aate waqt, aur humne wo kiya.
आप लोग जब भी हमारा ट्रिप चालू हो गया था उसके बाद भी आप कमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट क्रूज का आप वीडियो बनाओ, और फाइनली आ गए। लाइकवाइज वी एट आहा, द आहा टीम इज आल्सो रियली हैप्पी टू रिसीव सुखी एंड विकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड हम भी बिल्कुल लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग बोथ ऑफ यू, एंड मजा आ गया। ऑल्दो इट्स बिन अभी बिल्कुल अभी ऑफिस हमने खोला और इसके लिए नहीं, स्पेशली लवलेश जी भी आए बेचारे, उनको देख के समझ में आ रहा है उनको नींद आ रही है एक्चुअली, मेरे को उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है, उनको नींद आ रही है एक्चुअली नींद आ रही है, लेकिन वो हमारे लिए आए और आधी रात में ये फिटिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो इट्स वर्थ इट, द लव इज वर्थ इट, या नहीं नहीं, थैंक यू सो मच एंड इट्स बियॉन्ड वर्थ इट आई वुड से, मतलब इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स और सपोर्ट और जो अपनी सिनर्जी है ना कम्युनिटी की, यही चीज नहीं, द कम्युनिटी आई एम टेलिंग यू, द ईवी कम्युनिटी इज वेरी क्लोजली बॉन्डेड, सो दैट्स हाउ द ईवी कम्युनिटी इज ग्रोइंग। एंड एन ए फैमिली प्लीज, if you do long drives, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग खरीदो या जो, if you do long drives you have to look at next cruise as an option, and I have this unit with me, as he said he's giving it to us, he's gifting it to us, so we have this unit with me. पुणे में जब हम वापस आएंगे अगर आपको इसको ट्राई आउट करना है तो आप वो भी आप बिना बेझिझक हमको कॉल कीजिए, हम आपको ट्राई आउट करना है, आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, हम टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये डिवाइस ट्राई कर, आई एम डूइंग इट, देयर इज नो, आकाश जी यहाँ पे बैठे हैं, देयर इज नो बेनिफिट आउट ऑफ इट फॉर अस, वी आर डूइंग इट ओनली फॉर द कम्युनिटी, कि अगर आप पुणे में हो और आपको इसको ट्राई आउट करना है, इफ यू वांट टू यूज दिस टू ड्राइव, आई एम टेलिंग यू लाइक बाय मंथ एंड हम लोग पुणे में रहेंगे वापस, और आप उस टाइम पे कभी भी आप हमको मैसेज कीजिए, कहीं ना कहीं हम मीटअप करके आपको गाड़ी चलाने क्रूज कंट्रोल एक्सपीरियंस करने का मौका दे देंगे। जस्ट अ स्पेशल नोट, द प्री ऑर्डर्स आर ऑन राइट नाउ एंड दे आर लाइक वी हैव पुट इट आउट एट अ रियली रियली स्पेशल प्राइस, एंड पुटिंग अ प्री ऑर्डर अक्रॉस विल एंश्योर कि आपको आपका यूनिट जितना जल्दी हो सकता है उतना मिले, सो इवन नाउ लाइक देर इज अ रीजनेबल डिले और वेटिंग पीरियड एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू फिल दैट गैप, बट इफ यू वॉन्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन द यूनिट एज अर्ली एज पॉसिबल, pre-orders is the best way and it's open till the next Wednesday, that is date kya hai bhai, Wednesday 15th, that is the 15th of September, so that is the window of action, and we are really honored by all of you, the Noise Factory audience, and we look forward to putting the next cruise in your car as early as possible. So people who have been commenting on our channel to try out this thing, and finally it's here. If you have Nexon EV, don't forget to order this right away, because Akash ji ne ye jo window hai pre-order ka wo hamare bolne pe extend kiya hua hai sirf aap logon ke liye, the ENF family, aap logon ke liye, and aap order kijiye, and I take our word you'll not be disappointed, aap order kijiye, this is something amazing. एंड आई एम टेलिंग यू, जो टेस्ट हमने किया है, हमने इनके वीडियो देखे, जो लोगों ने टेस्ट किया था, एवरीवन वाज हैप्पी विद व्हाटएवर इज देयर, आई एम श्योर दे आर हैप्पी यूजिंग इट राइट नाउ, द 30,000 किलोमीटर्स व्हिच हैव बीन डन, बट जो विकी ने जो ट्राई आउट किया है वगैरह, वो मेरे ख्याल आकाश जी ने भी नहीं सोचा था कि कोई ये यूनिट लगाने के बाद ये करेगा। वन मोर थिंग व्हिच यू मिस्ड आउट गाइस, This thing works wirelessly, yeah? There's no wire going yes. between this and there the is, unit. There is no wire. ये सिर्फ इसको यहाँ पे रखा हुआ है हमने, this is a wireless connection, कोई wiring नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो tension का बात ही नहीं है, कोई वायर इधर से निकल के आके यहाँ पे कनेक्ट। बट डोंट वरी, हमने ये थोड़ा आपको सिर्फ झटका दिया, क्योंकि तो हम लोग मशहूर है थोड़े कीड़े करने के लिए, जो अभी जैसे किया प्लस माइनस करके, हम लोग और भी दूर जा रहे हैं तो और भी कीड़े करेंगे इसमें, वो आपको दिखता रहेगा, आकाश जी को भी बताएंगे कि ऐसे भी होता है, आकाश जी इसमें ऐसा भी कर सकते हो भाई, लोग इतने कीड़े कर देना कि कोई कीड़े करने को बचे नहीं उसके बाद, किसी के लिए हम उसी के लिए जाने जाते हैं। तो गाइज, होप यू लाइक दिस एपिसोड, दिस हैज कम आउट ऑफ द ब्लू, हम लोग ने डिसाइड किया कि इमीडिएट रिलीज करेंगे, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अभी आपके लिए हम शायद से उदयपुर पहुंचने वाले होंगे, बट आज ये जो 10 तारीख को और आधी रात में
हम लोग का प्लान बना आकाश जी से मिलने का, और ये जो सब इवेंट हुए हैं हमारे साथ, हमने सोचा इसको तुरंत आउट कर देते हैं ताकि आप लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके। तो अभी तो फोटो ऑलरेडी आउट हो गया है, क्रूज भी ऑफ हो गया है। क्रूज ऑफ हो गया है, फोटो ऑन है, तो आप वो देखिए, लाइक करिए, और तब तक तो वीडियो आ जाएगा। सो सी यू, थैंक यू सो मच आकाश जी, थैंक्स अ लॉट लवलेश जी, थैंक यू लवलेश जी, थैंक यू सो मच, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।